हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट 29 करेंगे सोशल साइंस हिंदी में। तो हमारा वर्कशीट में क्या है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है हमारा वर्कशीट। इसमें है ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, पहले हम वो पढ़ेंगे। पिछले 2-3 दशकों से या दशकों में अधिक से अधिक MNC यानी बहुत राष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है बहुत सारे देशों में कोई एक कंपनी जो बहुत सारे देशों में, इस देश में भी है, उस देश में भी है, इधर भी है, उधर भी है। जैसे अमेजोन है, वो हर देश में उसका काम चलता है। इंडिया में भी काम कर रही है, अमेरिका में भी काम कर रही है, चाइना में भी काम कर रही है। तो मतलब जगह जगह ये एक तरह की MNC कंपनियां होती है जो कि हर देश में उसका वहाँ पर लगी हुई है, वहाँ पर वो काम कर रही है, उसके साथ उसके वर्कर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो होती है MNC कंपनियाँ। दुनिया भर के स्थानों की तलाश में है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हो। MNC कंपनी क्या करती है, दुनिया भर में जो ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर सस्ता वर्कर्स मिले, यानी और उनके वहाँ पे जो उत्पादन जो हो सस्ते हो, यानी इजीली उन्हें अवेलेबल मिल जाए, ज़्यादा पैसा लगाना ना पड़े, तो ऐसी जगह पर MNC कंपनियाँ वर्क करती हैं। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा निवेश होता है, साथ ही साथ इन देशों के बीच विदेशी व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम है विभिन्न देशों के उत्पादन और बाजारों का एकीकरण। जब बहुत सारे देश जो होते हैं, यानी जो MNC कंपनियाँ होती है क्या करती है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर विदेशी निवेश होते हैं, यानी कि ये चीज़ भी इन्वेस्ट हो रहा है, ये वाला देश भी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ये वाला चीज़ें भी उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है तब क्या होता है, विदेशी व्यापार का परिणाम है कि बहुत सारे देशों के जो उत्पादन है वो एक ही जगह में मिल सकते हैं। जैसे कि कोई कमर्शियल वेबसाइट है और हमें सामान खरीदना है, वहाँ उसमें जापान का भी सामान मिलता है, उसमें अमेरिका का भी सामान मिलता है, उसमें इंडोनेशिया का भी मिलता है, यानी बहुत सारा सामान मिलता है। तो उसमें क्या है, विभिन्न देशों का उत्पादन हमें एक जगह मिल जाएगा आसानी से। और तो इसमें क्या होता है, बाजारों का एकीकरण हो गया, यानी कि बाजार जो है एक बन गया है जहाँ पर हम कहीं का भी सामान हम खरीद सकते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण का प्रक्रिया ही वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, इसमें बहुत सारे देशों का क्या है, एक साथ संबंध बना रखा, उसमें तीव्र एकीकरण यानी वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक बहुत प्रमुख भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशक पहले की तुलना में अब एक दूसरे के बहुत निकट संपर्क में आ गए हैं। इनके अलावा देशों के बीच लोगों की आवाजाही भी हुई है। क्या हो रहा है, एक जो बहुत सारे देश है या विभिन्न कई सारे देश है उनके बीच क्या हो रहा है, वस्तुओं का, सेवाओं का सर्विस दी जा रही है, सामान है कि हम ये सामान बना रहे हैं, हम आपके देश में बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, हाँ जी बेच सकते हैं। निवेश हो रहा है कि आप हमारे यहाँ हमारी कंपनी में निवेश कीजिए, हमारे कंपनी में आप पैसा लगाइए और प्रॉफिट होगा तो हम आपको देंगे। प्रौद्योगिकी जो उनका सामान है वो हमारे देश में भी आके आप बना सकते हैं, हम आपको सामान दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, उनकी कंपनी आके हमारे देश में लेगी। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब के कारण जो हम जो हमारा बाजार है जो क्या हो गया है, एकीकरण हो गया, सब लोग एक दूसरे के निकट आ गए, संपर्क में आया है कि वो देश कैसा बनाता है हम भी उसे बना सकते हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं उसे हम भी बना सकते हैं। इसके अलावा देशों के बीच में क्या हो गए, लोगों की आवाजाही भी है, लोगों को अगर एक दूसरे की चीज़ें पसंद आ रही तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर भी जाकर देखना चाहते हैं कि आखिर लोग कैसा बनाते हैं, कैसी चीज़ है, क्या सीखना चाहते हैं, या फिर ये करने के लिए अगर वहाँ पर हम सस्ता वर्कर्स मिल जाए तो हम भी वहाँ पर कंपनी खरीद सकें। ये तरह की चीज़ें होती है। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, यानी वैश्वीकरण को संभव किस किस ने बनाया है, पहला है प्रौद्योगिकी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि हमारा इंडस्ट्री का सामान है, जो चीज़ें हैं वो सब। परिवहन प्रौद्योगिकी में तेजी सुधार, परिवहन यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रोड है, वो उसमें क्या बहुत ही सुधार आया है। इसने कम लागत में लंबी दूरी की वस्तुओं को तेजी से आपूर्ति को संभव किया। इसने क्या किया है, जो लंबी दूरी एक से दूसरी जगह पर
सामान लेके जाना है उसे कैसे लेके जाएंगे। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा तो हम एक से दूसरी जगह पर आसानी से लेके जा सकते हैं। ये ऐसा तो है नहीं कि हम हर चीज़ें हेलीकॉप्टर से लेके जाए। तो जो हमारा मेन सिस्टम क्या होता है, रोड है, रोडवेज है। तो रोड पे क्या होना चाहिए, रोड जो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, हमारे अच्छे सामान होना चाहिए, हमारे रेलवे लाइन्स अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक चीज़ों को हम आसानी से बहुत जल्दी से जल्दी एक से दूसरे जगह पर हम लेके जा सकते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकरण प्रौद्योगिकी में तेजी सुधार ने पूरे देश की स्वभाव को उत्पादन को फैलाने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना संचार का मतलब होता है डिजिटलाइजेशन। इसका मतलब है कंप्यूटर्स है, फोन है, इंटरनेट है, टीवी है, रेडियो है, ये सब क्या करते हैं, हमें सूचना देते हैं, संचार करते हैं। इस पे हम आसानी से क्या होता है, कोई भी सेवाओं को आसानी से हम एक से दूसरी जगह पे फैला देते हैं। जैसे कोई नई योजना बनाई गई है तो सरकार ने क्या किया, उसे रेडियो पे सुना दिया, रेडियो पे सुना दिया, टीवी वालों ने भी ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो टीवी तो क्या है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स है। इसमें क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, जितने भी लोग हैं उन्हें आसानी से सूचना मिल गई कि आगे हमारे देश में हो क्या रहा है, क्या योजनाएं बन रही है, क्या कौन कौन सी योजना है, इससे किस किस को फायदा हो रहा है। दूर संचार सुविधा, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन, फैक्स सहित टेलीफोन, ये सब भी क्या है, हमारे सूचना का साधन है। का उपयोग दुनिया भर में एक दूसरे संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूर दराज क्षेत्रों में संचार करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई है। जो हमारी दूर संचार सुविधाएं जैसे टेलीग्राफ, मोबाइल फोन और फैक्स है, टेलीफोन जो दुनिया भर में, अगर हम यहाँ बैठे हुए हमें अमेरिका में बात करनी है तो क्या करते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं, हम नेट से बात कर सकते हैं, इंटरनेट से बात कर सकते हैं। तो इसने क्या किया है, ये हमारी लंबी दूरी को भी क्या कर दिया है, आसानी से ख़त्म कर दिया है। तो इन सब को हम जो उपयोग करते हैं, ये जो सेवाएँ हैं, ये हम क्या करते हैं, तत्काल प्राप्त करते हैं। कोई भी इंजरी हुई या कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर बम ब्लास्ट हो गया, कहीं पर भी परमाणु बम हो गया या हमला हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हम इजीली, हमें इंटरनेट पर सारी सुविधाएं हैं कि फटाफट से आपने इंटरनेट पर डाला और किस और कहीं पर भी लोग हैं, चाहे वो इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, इंडोनेशिया में हो, जापान में हो या अंडमान निकोबार में हो, कहीं पे भी हो, उसके पास फ़ोन है, नेट की सुविधा है, वो आसानी से देख सकता है कि आखिर कहीं पर क्या हो रहा है। तो इन सब की जो सुविधाएं से उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट्स है वो क्या करते हैं, टेली कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, जगह से हमें क्या करते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं, वो एक क्या करते हैं, ट्रैवल करवाते हैं, जिसके कारण जो ये सुविधाएं हैं उसमें जो संचार है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा सुगम हो गया, यानी इजीली अवेलेबल हो गया है। आगे पढ़ते हैं, विदेश व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। अब हम विदेश व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं व प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। इसमें वीडियो थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, बट आप देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर मैं समझा क्या रही हूँ। सरकार ने क्या किया, सरकार ने निर्धारित किया, कुछ बाधाएं निर्धारित की एवं प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। सरकार ने पहले ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ बाधाएं या कुछ प्रतिबंध जो उसे हटाया जाना, उसे क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। ओके, आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। आयात पर जो कर लगाया जाता है वो क्या होता है, व्यापार का अवरोधक, यानी व्यापार को थोड़ा एक रोकने का काम करता है। विदेशी व्यापार के व्यापार में वृद्धि या कमी विनिमय के लिए व्यापार अवरोधों का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें विदेशी व्यापार है, कोई भी सामान है जो बहुत ज़्यादा हमारे देश में आ रहा है, हमें उसे रोकना है, तो हम उस पर क्या करेंगे, थोड़ा वृद्धि लगा दें, किसमें, उसके टैक्स पे वृद्धि लगा दें। तो ये करेगा क्या है, व्यापार अवरोधक है। अगर बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाएगा तो फिर वो ज़्यादा बेचने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको भी तो फ़ायदा देखना है ना, अगर वो ज़्यादा टैक्स ही देंगे तो फिर वो कैसे सामान देंगे। तो ये क्या है, एक तरह का व्यापार अवरोधक है। ये तय करने के लिए कि किस प्रकार का माल व कितना प्रत्येक देश में आना चाहिए। ये व्यापार अवरोधक क्या करता है कि अगर किसी भी हमारे जैसे कोई भी कंट्री है, उसमें सामान जो रहा है, उसके एरिया में जो सामान है बहुत महंगा मिल रहा है, और किसी कोई दूसरा देश है बहुत सस्ते चीज़ों पे सामान बेच रहा है, वो क्या करेगा, दूसरे देशों में जाके बेच देगा सारा सामान, और दूसरे देश के जो लोग हैं उसे खरीद लेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ रहा है। और वहीं अगर बाहर से आई हुई चीज़ों पर अगर टैक्स लगाया जा रहा है तो क्या होगा, उन चीज़ों का रेट जो है अपने आप बढ़ जाएगा, और अगर वो बढ़ जाएगा तो जो वहाँ के जो स्वदेशी, जो वहाँ के लोग जो बना रहे हैं, उन चीज़ों का दाम अपने आप कम हो जाएगा।
जिसके कारण जो स्वदेशी माल है वो बिकेगा। तो ये क्या है, एक तरह का व्यापार अवरोधक है। सरकार उन वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा भी लगा सकती है जिनका आयात किया जा सकता है, इनसे कोटा के नाम से जाना जाता है। यानी सरकार जो होती है, जो वस्तुएं बाहर से आती है, जो बाहर से आती है उन्हें आयात कहते हैं और जो यहाँ से जाती है उसे निर्यात कहते हैं। तो जो बाहर से आती है उनका क्या होता है, सरकार जो होती है उसके ऊपर एक क्या लगा सकती है, सीमा, एक कंट्रोल लाइन लगा सकती है कि आपको इतना सामान ही बेचना है, तो उसको क्या कहते हैं, कोटा कहा जाता है। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में व्यापार अवरोध लगाए। जब भारत सरकार जब आज़ादी के बाद आज़ादी यानी 1947 में जब आज़ादी मिली थी उसके बाद क्या किया, हमारी भारत सरकार ने देश के भीतर विदेशी प्रतिस्पर्धा यानी जो विदेश का सामान है अगर हमारे कंट्री में आएगा तो क्या होगा। पहले से ही आज़ादी से पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था डोली हुई थी, लोगों को सारे ब्रिटिश ने क्या किया था, अपना कब्जा कर रखा था, ब्रिटिश का ही सामान बिकता था, ब्रिटिश के ही सामान बिकना था, कपड़े लत्ते सब उन्हीं का बिकना था। तो जो हमारे स्वदेशी लोग थे उनके पास खड़ा होने के लिए, उन्हें स्टैंड होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, तो इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया उस टाइम पे विदेशी व्यापार के लिए व्यापार अवरोध लगा दिए। 1991 के आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। 1991 में क्या किया, भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब जो पहले व्यापार अवरोध लगाए थे उन्हें हटा दिया गया। किस लिए, क्योंकि भारत सरकार को अब यह लगने लगा कि अब जो भारतीय उत्पादक है उन्हें कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, दुनिया भर के जो उत्पादक है उनसे कंपटीशन करने का टाइम आ गया है, अब उन्हें भी कंपटीशन करना चाहिए ताकि वो अपने सामान की कि आखिर वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनका सामान किस तरीके से अच्छा है, वो कैसे अपने सामान को बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। वस्तुओं को अब उसके बाद जब व्यापार अवरोधक हटा दिया गया तब क्या हुआ, वस्तुओं को अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता था। जब वो अवरोधक हटा दिए गए तब क्या हुआ, जो भी हमारे जो कंट्री वाले थे, जो कंट्री में जो सामान बनाने वाले थे या बेचने वाले थे, उन्होंने क्या किया, वस्तुओं को अब आसानी से वो आयात और निर्यात कर सकते, यानी कि जो अपना सामान उन्होंने बनाया है वो दूसरे की कंट्रीज में आसानी से आयात कर सकते थे और वहाँ से वो सामान मंगवा भी सकते थे। और विदेशी कंपनियाँ, जो विदेश की जो कंपनियाँ थी वो हमारे यहाँ आकर अपने कारखाने खोल सकती थी और कार्यालय भी स्थापित कर, यानी कि बाहर की कोई किसी दूसरे देश की कंट्री की जो कंपनी है वो हमारे इंडिया में आकर अपनी कंपनी खड़ी कर सकती है। व्यवसायों के को अब स्वतंत्र रूप से निर्भर निर्णय लेने की अनुमति है कि वो क्या आयात और क्या निर्यात कर सकते हैं, यानी कि जो व्यवसाय है, जो भी आपका सामान है, जब जो बिजनेस वाले हैं उनको अब आज़ादी मिल गई है कि आप अपना सामान जो मन चाहे आपको आप उसे आयात कीजिए और आपको क्या निर्यात करना है आप वो निर्यात कर सकते हैं। तो ये था व्यापार अवरोधन के बाद का हमारा हिस्सा। अब हम पढ़ते हैं WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, क्या भूमिका है। विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहते हैं एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देशों के बीच का जो व्यापार है उसको उदार करना। उदार करने का मतलब जो उनके रूल्स रेगुलेशन है उन्हें कम करने की कोशिश करता है, उनके प्रतिबंध जो है उन्हें रोकने की, उन्हें हटाने की कोशिश की जाती है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम स्थापित करता है, रूल्स बनाता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो, और क्या करता है इन नियमों का हमेशा पालन किया जाए ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। हालांकि विश्व व्यापार संगठन सभी को मुक्त व्यापार की अनुमति देता है, व्यवहार में देखा गया है कि विकसित देशों ने व्यापार अवरोधों को गलत तरीके से बरकरार रखा हुआ है। विश्व व्यापार संगठन ने क्या किया, सभी को मुक्त व्यापार की अनुमति दे रखा है कि आप जहाँ जाना चाहते हैं, जो सामान बेचना चाहते हैं, जो सामान खरीदना चाहते हैं आप वो बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये देखा गया है कि विकसित देश है, जो डेवलप्ड कंट्री है, जहाँ पे बहुत आराम से पैसा है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रोड मैप है, मतलब बहुत सारी कंडीशन जो काफ़ी अच्छी है, तो उन देशों में देखिए क्या देखा गया है कि उन देशों ने अवरोधक लगा रखे। कौन से व्यापार अवरोधक, यानी कि उन्होंने
मे बी टैक्स ज्यादा कर रखे होंगे, तो गलत तरीके से उन्होंने बता क्या कर रखा है, बरकरार कर रखा है। तो ये हमारा वैश्वीकरण वाला जो टॉपिक है खत्म हो गया है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या कि हमारे क्वेश्चंस क्या क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले की अपेक्षा एक दूसरे के निकट संपर्क में है। कुछ दशकों पहले निकट नहीं थे पर अब बहुत निकट आ गए हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ और कैसे संभव हो पाया? चलिए अब हम इसका पहले आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। इसके मैंने आंसर्स पहले से लिख रखे हैं ताकि आपको आसानी से बता सकूं। मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के ज्यादा निकट है। आपको क्या लगता है कैसा क्यों हुआ और कैसे संभव हो पाया? तो मैंने अपने हिसाब से जो आंसर लिखा है वो ये है कि वैश्वीकरण के कारण ही दुनिया के अधिकांश क्षेत्र अब एक दूसरे के संपर्क में है। वैश्वीकरण ने क्या किया है, दुनिया को एक साथ लाकर बांध दिया है। देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है और विश्व व्यापार संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाया है। क्या हुआ है, देश के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं का, सेवाओं का, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है और जो विश्व व्यापार संगठन है उसने क्या किया है, उदार किया, यानी कि जो व्यापार अवरोधक है उन्हें कम किया है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी उत्पादकों को विदेशी स्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेशों को अवरोध लगाया। यानी कहना चाहता है स्वदेश, तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार ने क्या किया, जो विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार है उसे इंडिया से आने के लिए उसमें अवरोध लगाया, यानी उसे रोका गया। क्यों रोका गया, 1991 में के आसपास इन अवरोधकों को हटा दिया, हटाने का फैसला क्यों किया गया, भारतीय ग्राहकों को इस नीति परिवर्तन से होने वाले किन्हीं दो लाभों के बारे में लिखिए, ठीक है। यानी स्वतंत्रता के बाद विदेशी उत्पादकों का प्रतिस्पर्धा बचाने के लिए पहले क्या किया, उन्होंने अवरोधक लगाया और फिर 1991 में क्या किया, हटा दिया गया। अब हटाने के बाद उन्होंने क्या फायदा हुआ, उस नीति से लोगों को क्या फायदा हुआ, देखते हैं। 1991 के आसपास इन अवरोधकों को हटाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सरकार को विश्वास हो गया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यानी उन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय लोग हैं उन्हें और भी लोगों के साथ क्या करना चाहिए, कॉम्पिटिशन करना चाहिए। इस नीति परिवर्तन से होने वाले दो लाभ, क्या लाभ लिखे मैंने, वस्तुओं को अब आसानी से आयात व निर्यात किया जा सकता था। यानी वस्तुओं को अब आसानी से आयात या निर्यात किया जा सकता था। दूसरा, व्यवसायों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति है कि वो क्या आयात और क्या निर्यात करना चाहते हैं। यानी जो भी बिजनेस वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, अब आयात और निर्यात, उन्हें क्या आयात करना है क्या निर्यात करना है, अब उन्हें अपने आप से वो ले सकते हैं कि उन्हें क्या लेना है और क्या देना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वृंदा एक आयातित टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है। वृंदा को क्या करनी है, एक टॉय ट्रेन खरीदनी है जिसकी कीमत क्या है, 300 रुपये है। बिल्कुल वैसे ही समान गुणों वाली एक अच्छी गुणवत्ता की टॉय ट्रेन भारत में 350 रुपये में उपलब्ध है। यानी एक क्या है, आयात ट्रेन है, यानी कि बाहर की कंट्री का सामान है जो कि 300 रुपये का है और वृंदा को सामान खरीदा है, लेकिन उसी वैसी ही सेम क्वालिटी वाली हमारे इंडिया की एक जो ट्रेन है वो 350 यानी 350 रुपये की है। भारत सरकार ने क्या किया, जो आयात सामान है उस पर 60% कर लगा दिया गया। 300 का 60% करेंगे उस पर 60% उस पर कर लगा दिया गया है। तो आशातीत रूप से अब वृंदा कौन सा खिलौना खरीदेगी और क्यों खरीदेगी, आपको क्या लगता है उसके इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माताओं को क्या मदद मिलेगी? यानी वृंदा को पहले कौन सा सामान खरीदना था, एक बाहरी कंट्री का आया हुआ सामान था जिसको 300 रुपये का था, उस पर भारत सरकार ने टैक्स लगाया तो उसका रेट अब थोड़ा और बढ़ जाएगा और उसी
तरह का जो हमारे इंडिया में भी एक टॉय ट्रेन है जिसका नाम जो कि 350 रुपये की है। अब वृंदा कौन सा ट्रेन खरीदेगी और क्यों खरीदेगी और आपको क्या लगता है वृंदा के इस कदम उठाने पर या कौन सा कदम उठाएगी उससे किसको क्या मदद मिलेगी, इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर है आयात टॉय ट्रेन पर कर लगने के कारण अब वो महंगी हो गई है, तो वृंदा को भारत में उत्पादित टॉय ट्रेन सस्ती पड़ने के कारण खरीदनी चाहिए। वृंदा के इस कदम उठाने से और भी कई सारे लोग क्या होंगे, भारत उत्पादित सामान को प्राथमिकता देंगे, यानी कि इंडिया मेड इन इंडिया बाय इंडिया, इंडिया का सामान खरीदो, इंडिया वाला ही बनने जो इंडिया में बने उसी को खरीदो, जिससे भारतीय खिलौने निर्माताओं को विदेशी उत्पादकता से ज़्यादा बिक्री होगी, यानी कि जो इंडिया का सामान है वो ज़्यादा बिक्री उसकी बिक्री होगी, जिससे हमारे देश का अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गौरंग एक युवा है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मणिपुर में अपने छोटे से गांव को लौटता है। गौरंग ने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली है और फिर वो अपने मणिपुर गांव में गया है, उस गांव छोटा सा गांव में रहता है। उसे पता चलता है क्या कि वहाँ पर आदिवासियों द्वारा बनाए गए सुंदर अद्वितीय टोकरियों के शहरों में भारी मांग है, यानी कि जो शहर है सिटीज है टाउन्स है वहाँ पर क्या है उसके सामान जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं जो बना रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा मांग है। तो वो ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूचना व संचार यानी जिसे सूचना और संचार पहुँचा जाए वो वाले को उपयोग करके वो टोकरियों को एक लाभदायक व्यवसाय अपने आदिवासी समुदाय के साथियों के लिए कैसे शुरू कर सकता है, यानी कि वो कैसे बिजनेस शुरू कर सकता है ताकि जो उसका जो आदिवासी समाज है कैसे अपने पाँव पे खड़ा हो सके और उसे कोई भी टेंशन ना हो। इसका आंसर है गौरंग ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकरण का उपयोग इस्तेमाल करके उसके ऊपर जैसे कई सारे सामान बेचने वाले व हैंडलूम बेचने वाले वेबसाइट इस पर वो विज्ञापन दे सकता है। किसका विज्ञापन देगा, जो भी उसके यहाँ जो टोकरियाँ बनाई गई है अद्वितीय टोकरियाँ जो बनाई गई है उसका वो ऐड दे सकता है। ऐड होगा तो बहुत सारे लोग देखेंगे। आजकल की दुनिया क्या होती है, सारी इंटरनेट और फ़ोन का इस्तेमाल करती है, इससे गौरंग को काफ़ी फ़ायदा होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और सामान को सामान जो है आसानी से बिक जाएगा और धीरे धीरे लोकप्रिय हो जाएगा ताकि उसकी कंडीशन जो है बेहतर हो जाएगी। सामान लोग देखेंगे तो क्या होगा, लोग खरीदेंगे भी और उसका आराम से जो लोग है उनका व्यवसाय चलने लगेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें बताइए और ताकि वो भी अपने वर्कशॉप आसानी से कर सके। और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।